प्रभु दे जलाली और सामर्थी नाम दे विच मेरे वालों जानी सिस्टर नीलम वालों प्यार भरी सब नूं जय मसीह दी। अज असीं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उहदे दित्ते अच्छे समय दे लई कि प्रभु ने सानूं फजल दिता कि असीं प्रभु के वचनां नूं तुहाडे नाल शेयर कर सकीए। अज असीं वचन दे विचों पढ़ांगे यूहन्ना रसूल की अंजील उहदा 5 अध्याय उहदे 1 वचन तों लैके असीं 9 वचन तक रीड करांगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बेट फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैत हसैदा कहलाता है। उसके 5 उसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्ग दूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रभु दे इस वचन पढ़े और सुने जाते आशीष और बरकत हो। एक बार प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम दे विच आए। यहूदियां दा त्यौहार जड़ा निकट सी, पूरा यरूशलेम जड़ा खुशनुमा सी, खुशी दा माहौल सी, उन्हां दे त्यौहार दीआं तैयारियां चल रहीआं सी। पेड फाटक राही प्रभु यीशु मसीह हैकल दे विच आए। यह हैकल सुलेमान की हैकल है, जो बहुत वड्डी हैकल आ। वैसे तो ये बहुत सारे दरवाजे सन, पर इस रस्ते थानी जो लोग आते सन, जो अपनिया कुरबानियां लैके अपनिया सुखना लैके आते सन, उन्होंने हाथों में बैल, बछड़े और पक्षी होंगे सन। और जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं इस दरवाजे थानी, उन्होंने हाथ में ना कोई बैल आ, ना बकरा, ना पक्षी आ। प्रभु यीशु मसीह खुद दसना चाहते सी कि मैं खुद कुर्बान होने वाला, मैं खुद कुर्बानी आ और मैं खुद कुर्बान होने वाला मेमना वा। प्रभु यीशु बैतलहम पेड़ फाटक दे वड़ ने जड़े 5 दलान बने हुए सन, 5 सरोवर बने हुए जन बने हुए सन, जो पानिया दे नाल पड़े हुए सन। और उन्होंने आस पास जड़े ये बीमार लोग रेंदे सन, अंधे, लंगड़े, सुके अंग वाले, और इस आस दे विच बैठे हुंदे सन कि नियुक्त समय दे उत्ते जद परमेश्वर दा स्वर्ग दूत इस पानी नूं हलांदा सी और जिहड़ा इन्हां 5 सरोवरां दे किनारियां दे उत्ते बैठा बीमार उहदे विच पहला उतर जांदा सी, उसे वेले चंगा हो जांदा सी, चाहे उहदी बीमारी किस भी तरह की क्यों ना होवे, उह बीमार जिहड़ा उसे वेले चंगा हो जांदा सी। जिवें ही प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 साल दे रोगी नूं देखिया, जो पिछले 38 समय वर्ष तो उत्थे बीमार पिया होया वा, उसने उन्हूं नहीं दस्या हैगा, पर प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि एक बीमारी की हालत में जिहड़ा 38 सालों तो इस जगह पर पिया होवा पिया वा। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हूं पूछा, की तू चंगा होना चाहता? मेरे अजीजो, देखने तो यह सवाल बड़ा अजीब और बेतुका जहा लग रहा वा कि जिहड़ा इंसान पिछले 38 सालों तो चंगा होने के लिए उस जगह पर बैठा होया सी, अज प्रभु यीशु मसीह उन्हूं पूछ रहे ने की तू चंगा होना चाहता। मेरे अजीजो, प्रभु यीशु मसीह उन्हूं इस करके पूछना चाह रहे सी, कई लोग जब असी लंबी बीमारी दे करके, दुख दे करके साड़ी जा बरकत रुक जाती है, परेशानियां दे करके असी अपना जीवन जड़ा उसे मुताबक जड़ा जीवन शुरू कर लें, साड़ी जिंदगी दे विचों आस खत्म हो जाती है, असी अपना जीवन जड़ा उसे मुताबक ढाल लिया हुंदा कि हुण साड़े लिए कुछ हो नहीं सकता, हुण साड़ी आस जड़ी आ खत्म हो चुकी आ। और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह उन्हूं इसलिए पूछ रहे सी कि एक तंदुरुस्ती का जीवन किहो जिहा हुंदा, एक स्वस्थ जीवन बारे दसना चाहते सी कि एक स्वस्थ जीवन वाला जी जिंदगी जड़ी है किहो जी होंदी आ। अज तेरा बोझ जड़ा वा किसी ने चुकया होया, अज तेरा बोझ जड़ा कोई उठा रहा वा, पर जदों तू तंदुरुस्त होवेगा तेनू अपना बोझ जड़ा खुद उठाना पेगा, तेरिया जिम्मेवारियां तेरिया जड़ियां तेरे ते जिम्मेवारियां तेनू खुद उठाणिया पैणगियां। प्रभु यीशु मसीह इस करके उन्हूं पुछ रहे सी कि तू चंगा होना चाहता। मेरे अजीजो, अज असी जब दुख दे विच हुंने आ, परेशानियां दे विच हुंने आ, मुश्किलां दे विच हुंने आ, ते प्रभु यीशु मसीह सानू आण के पुछदे ने, मेरी बेटी, मेरे बेटे,
की तू चंगा होना चाहता। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस बीमार नूं कहा की तू चंगा होना चाहता, उसने कहा हे प्रभु मेरे कोल ऐसा कोई मनुख नहीं जो मेरे लिए इस जद पानी नूं हिलाया जाता तो मैं उहदे विच उतार सके। तो प्रभु ने उस वेले उस नूं कहा अपनी खाट उठा उठ अते चलिया जा, तो तुरंत चंगा हो गया ते चलन फिरन लगा। मेरे अजीजो प्रभु यीशु मसीह उस बीमार नूं दसना चाह रहा सी कि तू बेशक कल्ला वा, अज मैं तेरे नाल आ, तू घबरा ना, तू टेंशन लै। प्रभु ने उस वेले उहनूं चंगिया कीता। मेरे अजीजो जद असीं दुख दे विच हुंदे आ, असीं आस छड चुके हुंदे आ कि साढ़े लिए जिहड़ा वा कुछ सही नहीं हो सकता, अज साढ़े लिए बहुत अच्छा समा वा, बहुत ही अच्छा समा कि प्रभु सानूं पुकार रहा, प्रभु सानूं कह रहा मेरी बेटी अपना हाथ वधा, अगर तेरा जीवन जिहड़ा वा, तेरी जवानी जिहड़ी आ, तेरा बचपन जिहड़ा वा वह गुनाहां दे विच गुजरिया, अगर तू नशे की हालत में अपना जीवन गुजार रहा वा, तो बेशक वह तेरा समा चल लंघ चुका वा, पर अज मैं तेनूं पुछ रहा मेरी बेटी मेरे बेटे की तू चंगा होना चाहता। कि जब प्रभु यीशु मसीह 38 साल के उस रोगी ने कभी सोचा नहीं सी कि अज मेरे लिए नियुक्त किया समा होएगा जब प्रभु वो कोल आएगा। मेरे अजीजो की वह समा समय तो पहला प्रभु यीशु मसीह आ गए सी जां वह समा लंघ चुका सी, समा चाहे चलिया गया सी, चाहे चल रहा सी, चाहे आने वाला सी, पर प्रभु यीशु मसीह उस बीमार नूं दसना चाहुंदा सी कि मैं उन्हां सारे समयां दे विच अज खड़ा वां जो तैनूं अज चंगा करन वाला वां। मेरे अजीजो अगर तुसी इस जिंदगी दे विच जी रहे हो कि मेरी अज आस खत्म हो चुकी आ, मैं अज दुख की घड़ी दे विच आ, मैं अज परेशानियां दे विच आ, मेरे लिए कभी हो ही नहीं सकता, मेरे लिए कभी ऐसा समा आ ही नहीं सकता, तो मेरे जीजो देर ना करो, अज अपना हाथ यीशु दे हाथ वल वधाओ। वह खड़ा वा, वह तुहानू पुछ रहा वा, वह कहिंदा मैं तुहाडे सारे समयां नूं सही करन वाला वा, बेशक मेरी बेटी तेरे जिंदगी दे विचों बेशक तुहानू तरक्की नहीं मिली हैगी, तू अपनी जिंदगी दे विच इस उम्मीद विच आस चुकी, मेरे लिए कौन आ जो आन के उस पानी नूं हिलाए, जो मेरे लिए आन के दिलासा बने, ते अज प्रभु यीशु तेरे कोल आ, वह तैनूं पुछ रहा कि तू चंगा होना चाहुंदी आ। प्रभु ने उस इंसान नूं कहा, उस बीमार नूं कहा अपनी खाट उठा उठ अते चल फिर। प्रभु ने उन्हूं दस्या कि अपने घर जा, एक तंदुरुस्ती भरिया जीवन उठा, अपनी लज्जा दी खाट नूं लपेट ला, और अपनी जिम्मेवारियां नूं कंधियां दे चुकदे होए, अपने सिर दे उत्ते जिहड़ा बोझ उठाउंदे होए अपने परिवार दे विच जा अते चल फिर। मेरे अजीजो अज प्रभु यीशु मसीह तुहाडे कोल आ, प्रभु यीशु मसीह तुहानूं बुला रहा वा, वह कह रहा वा बेशक तू जिन्ने साल अपनी जिंदगी दे गुजार दिते दुख मुश्किलों के अज देर ना कर, मैं तेरे को लिया, मैं उस नियुक्त समय के जिहड़ा तेनों अज ठीक करने वाला वा, मैं तेनों बचाने वाला वा, देर ना करो, प्रभु दे कोल आओ, अपनी हर उस गलती का पछताप कर दे। अगर असी गुनाह दे विच डुबे हुए हैं, अपनी लज्जा की परवाह ना, दुनिया तुहानू छड़ सकदी आ, पर अज प्रभु यीशु मसीह तुहानू पुछ रहा मेरी बेटी अपना हाथ वधा, मेरे बेटे अपना हाथ वधा। एक इज्जत भरी जिंदगी की होंदी आ, वह प्रभु तुहानू दसना चाहुंदा वा, एक इज्जत भरिया जीवन किहड़ा हुंदा वा, वह प्रभु तुहानू दसना चाहुंदा वा। अगर तुसी नशियां दे विच अपना जीवन गुजार रहे हो तां जा हाथ अपना यीशु नूं दो। असी सोचदे आ कि असी कल्ले आ, साडे लई कौन आएगा, मेरे आने तो पहला ही कोई आ जाता। मेरे अजीजो अज प्रभु यीशु तुहाडा सहारा बनते लिए आ रहा वा, प्रभु तुहानू इस वचन के द्वारा इस पैगाम के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। मेरे वालों जानकी सिस्टर नीलम वालों प्यार भरी